कॉमनवेल्थ गेम्स में देश के लिए कांस्य पदक दिलाने वाले वेट लिफ्टर विकास ठाकुर का हमीरपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर से प्रवक्ता नरेंद्र अत्री सहित काफी लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। वेट लिफ्टर विकास ठाकुर ने भी लोगों के स्वागत का आभार जताया और कहा कि हिमाचल का नाम रोशन करने के लिए तत्पर रहूंगा। विकास ठाकुर ने कहा कि एशियन गेम्स के लिए तैयारियां चली हुई हैं और इनमें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रैक्टिस की जा रही है ताकि बेहतर परफॉर्मेंस की जा सके। हमीरपुर आके सर मुझे काफी अच्छा लगा, जैसे मुझे हमारे विधायक जी ने और हमारे मेरे युवा बड़े भाई नरेंद्र अत्री जी ने हमारा स्वागत किया, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही आगे भी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करें और मैं ताकि हिमाचल का नाम और रोशन करूँ। तैयारी अब आगे एशियन गेम्स है हमारी, तो आज एक तो ये फंक्शन भी जरूरी था और मेरे घर में मेरे ताया जी रिटायर हो गए, उनकी भी एक पार्टी है छोटी सी, तो वो अटेंड करके मैं कल चला जाऊंगा और फिर बैक टू वर्क, अपनी मेहनत जारी रखेंगे एशियन गेम्स के लिए। विकास ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में सरकार को चाहिए कि खेलों को बढ़ावा दिया जाए ताकि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके। उन्होंने कहा कि युवाओं की खेलों में दिलचस्पी बढ़े इसके लिए सरकार को काम करने की जरूरत है। वेट लिफ्टर विकास ठाकुर का हमीरपुर जिला के पटनौन में पैतृक घर है और विकास ठाकुर अपने ताया की सेवानिवृत्ति पर आए हुए थे। कोच की कमी, एक्चुअली मैं तो इंडिया कैंप में हूँ भी, हमारे कोच मेरे कोच हैं जो विजय शर्मा जी हैं, बट मैं मुझे लगा था कि मुझे काफ़ी लोग मैसेज करते हैं फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कि भैया हमें बताओ हमें वेटलिफ्टिंग करनी है कहाँ करें, तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारी सरकार यहाँ और ऐसे जिम खोलें जहाँ वेटलिफ्टिंग हो और कोचों पर थोड़ा जो उनकी बढ़ोतरी बढ़ाई जाए थोड़ी सी।